हेलो फ्रेंड्स, क्यूबिट इंस्टीट्यूट में सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही स्पेशल और टेस्टी रायता, जो बनाना बेहद आसान है और सर्दियों में ही बहुत ज्यादा हेल्दी भी होता है। तो इन सर्दियों में इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और यदि ये पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो देखे आ सकूँ। चलिए हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा विंटर में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला टेस्टी और हेल्दी बथुए का रायता। तो चलिए जानते हैं कि ये रायता आसानी से कैसे बना। रायता बनाने के लिए देखिए, मैंने बथुआ लिया है और इसे अच्छे से अब हमें वॉश करना है। तो पहले हम इसे अच्छे से वॉश कर लेते हैं। बथुए को अच्छे से धोने के बाद में देखिए, मैंने एक कंटेनर लिया है, उसमें पानी भर दिया है। अब हम इसमें अपने बथुआ के पत्ते डाल देते हैं। यदि आपको पानी कम लगे तो आप और डाल दीजिए। इन पूरे बथुए के पत्तों को हमें डुबोना है और इसे उबालना है। पांच मिनट हमने इस बथुए को अच्छे से उबाल लिया है और ये बथुआ करीबन 200 ग्राम है। तो चलिए अब इसके पूरे पानी को निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। अब हम मिक्सर जार में डालेंगे स्ट्रेन की हुई बथुआ, एक हरी मिर्च और धनिया के पत्ते। इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और इसे अब हम ग्राइंड कर लेंगे। देखिए, हमने बथुए को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है हरी मिर्च और धनिया के साथ में। अब हम इसमें एक एक करके मसाले डालना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं डालूंगी एक पिंच भुनी हुई हींग, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और लास्ट में स्वाद अनुसार नमक। लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ एक कप दही, जो लगभग 200 ग्राम होता है। अब हमें इन सबको एक बार ग्राइंड करना है अच्छे से और अभी इसमें आप पानी मत डालिएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारे बथुए का रायता बिल्कुल तैयार हो गया है। चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। हमारे बथुए का रायता बनके बिल्कुल तैयार है। लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी और बनाना भी कितना आसान है। जल्दी से ये रेसिपी तैयार हो गई है और ये फायदेमंद भी है। तो प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक थैंक यू, बाय बाय।